अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली में एंड्रयूजगंज की सड़क नंबर 8 को किसके नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है? ए डॉक्टर कलाम, बी सुषमा स्वराज, सी सुशांत सिंह राजपूत या डी कुमार विश्वास। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, 10,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत पर निगरानी ब्यूरो ने मुखिया और उप मुखिया को धर दबोचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और जहां जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वहीं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट योजना हर घर नल का जल के तहत हो रहे कार्य के दौरान गांव के एक वार्ड में हर घर नल का जल पहुंचाने के नाम पर मुखिया और उप मुखिया के द्वारा 10,000 रुपए घूस मांगे जाने की शिकायत पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक मुखिया और एक उप मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है, जिसके बाद निगरानी विभाग ने दोनों को भागलपुर कोर्ट परिसर स्थित निगरानी विभाग के कोर्ट में पेश कराया और 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामला बेगूसराय जिले के मैदा पंचायत का है, जहां हर घर नल का जल योजना के तहत पंचायत के हर एक वार्ड में नल का जल पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान मुखिया मनोज कुमार चौधरी और उप मुखिया कन्हैया कुमार के द्वारा हाजीपुर पिपरा गांव के वार्ड के लोगों से 10,000 रुपए हर घर नल का जल पहुंचाए जाने के नाम पर रिश्वत की मांग की, जिसके बाद मोहम्मद परवेज आलम के द्वारा इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी गई, जिसके बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए मुखिया और उप मुखिया को रंगे हाथ 10,000 रुपए घूस लेते धर दबोचा। निगरानी विभाग के DSP सुरेंद्र कुमार महुआर ने दोनों की गिरफ्तारी की बात करते हुए मुखिया और उप मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की बात बताई। ये मामला है कि बरौनी प्रखंड का मामला है। निरंजन कुमार नाम का व्यक्ति कंप्लेन किया था कि मैदा बभनगामा के मुखिया ये सम चौधरी है, मैंने नल जल योजना में काम कराने के एवज में ये रिश्वत के मांग किए थे, उससे 10,000 रुपया कमीशन जो होता है मुखिया का, उसी में वो कंप्लेन किया था और उसी के कंप्लेन पर कल इनको जा कर के 10,000 रुपया के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार मवार, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी पटना। अगस्त्या का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। नवगछिया में रेमंड शोरूम का हुआ उद्घाटन। नवगछिया के गौशाला रोड स्थित पोखर के ठीक सामने रेमंड शोरूम की ओपनिंग की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम गोदान किया गया, फिर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। संचालक आशीष कुमार पोद्दार ने बताया कि नए शोरूम में शर्ट पैंट, कुर्ता, कोट पैंट के कपड़े, इनर वियर के साथ रेडीमेड कपड़ों की भी विस्तृत रेंज उपलब्ध है। वहीं इस अवसर पर आशीष पोद्दार, सत्यनारायण पोद्दार, समाज सेवी अजय कुमार रुंगटा, लायंस क्लब के शिव कुमार पंसारी, सुभाष चंद्र वर्मा, राम प्रकाश रुंगटा, एंशियंट हिस्ट्री के विभाग अध्यक्ष बिहारी लाल चौधरी आदि अन्य भी मौजूद थे। मेरा नाम आशीष पोद्दार है, मेरे पिताजी का नाम श्री सत्यनारायण पोद्दार है। हम लोग भागलपुर के रहने वाले हैं। नवगछिया में हम लोग रेमंड का शोरूम खोले हैं। यह शोरूम नवगछिया में गौशाला रोड में हाई स्कूल के सामने है। यहाँ पर रेमंड कंपनी के सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, सभी प्रकार के रेंज मिलेंगे, सूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड, वुलन आइटम, सॉक्स और अंडर गारमेंट्स, टाई, बेल्ट, सभी प्रकार की सभी चीज़ें मिलेंगी, प्रीमियम चीज़ें भी मिलेंगी। हर प्रकार के
लोगों के लिए सभी प्रकार के कपड़े मिलेंगे। हर रेंज का कपड़ा मिलेगा यहाँ पर, लो रेंज से लेके हाई रेंज तक का। तो जो भी ग्राहक यहाँ आएंगे उनको किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी, उनको उनके पसंद का हर प्रकार का कपड़ा मिलेगा। सर अभी अपनी लोगों में पहले से बहुत उत्साह है कि रेमंड का शोरूम यहाँ खुल रहा है, और जब लोगों को पता चला कि यहाँ रेमंड का शोरूम खुलने वाला है तो लोगों के मन में ये हुआ कि पहले हम लोगों को लेने दूर दराज भागलपुर या पूर्णिया वगैरह जाना पड़ता था, तो अब हम लोगों को नौगछिया में ही मिल जाएगा और सही दाम में सही चीज़ हम लोगों को रेमंड कंपनी की मिलेगी। और मतलब नवगछा में मापतोल विभाग ने लगाया शिविर, 50 से अधिक लोगों ने कराया बाट और संबंधित सामानों का सत्यापन। मापतोल विभाग ने रविवार को नवगछा शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में शिविर लगाकर दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाट और तराजू की जांच की। शिविर में 50 से अधिक लोगों ने अपने बाट और इससे संबंधित सामानों का सत्यापन कराया। शिविर का नेतृत्व कर रहे मापतोल निरीक्षक एके पांडे ने कहा कि अप्रैल से अब तक मापतोल में गड़बड़ी करने वाले नौगछिया के 150 दुकानदार को नोटिस दिया गया है। इनमें कई पर मुकदमा कराया गया है तो कई से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया है। श्री पांडे ने कहा कि नौगछिया लगातार छापेमारी अभियान चलाकर मापतोल में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं श्री पांडे ने कहा कि डंडी वाला तराजू पूरी तरह से अवैधानिक है, इसके लिए डंडी वाले तराजू का प्रयोग कोई भी दुकानदार ना करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मापतोल निरीक्षक एके पांडे ने कहा कि जिन ग्राहकों को लगता है कि दुकानदार कम वजन दे रहा है, बाट अथवा तराजू में हेर फेर कर रहा है, तो ऐसे ग्राहक उन्हें लिखित शिकायत कर सकते हैं। इस तरह की प्राथमिकता सूचना मेरे नंबर मोबाइल नंबर 9470080045 पर भी दे सकते हैं। मामले में नियमतः कार्रवाई की जाएगी। ये है, आज कितने लोगों का हुआ है, क्या प्रोग्राम है आज का? तो लगता है 10-12 लोग हो गए ना। आगे यह कार्यक्रम फिर कब जारी रहेगा, कैसे होगा दोबारा? अभी तो प्रखंड में है, उसका सूची हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को भी दे दिए हैं कहाँ कहाँ प्रखंड में कैंप है। और अब 1 फरवरी से ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद क्या कैंप का प्रोविजन आता है उस पर हिस्सा होगा। और चैम्बर से जब भी कहे हैं, विषय जी हैं बताए, जब भी बोले हैं शुक्रवार को डेट बता रहे थे, तो हम शुक्रवार को बोले कि कैंप है नौगछिया, नौगछिया प्रखंड में शुक्रवार को कैंप था। उस दिन बोले कि जो भी नौगछिया कह लो प्रखंड में कर दीजिए, बोले कि ना वहाँ असुविधा होगा हमारे यहाँ। बोले ठीक है, तो शनिवार को भी मेरा कैंप था जी। बोले संडे को हम तैयार है, संडे को आ गए। भागलपुर में जब भी बोले हैं चैम्बर, ये तो होता है भागलपुर में तो चैम्बर में आप डीएम से मीटिंग की, ठीक है वो तो हम लोग आज रविवार को ये कैंप लगा रहे हैं। और आगे यदि ऑनलाइन वाले टाइम में जो होना है, यदि गवर्नमेंट कैंप का नियम होगा, तो हम लोग 1.5 महीना 2 महीना में कैंप और लगा के लोगों को सुविधा जितना मिले वो अपने लिए जो व्यापारियों को। एक और अगला सवाल है सर कि बाजार में जो भी मापतोल का यंत्र है वो डंडी सिस्टम तो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया, कांटा सिस्टम होना चाहिए, डंडी तो अलाउ नहीं है। बावजूद इसके यहाँ के मार्केट में डंडी ही भरी पड़ी है, इसका क्या उपाय है? उपाय देखिए, उन लोग एक तो अस्थाई नहीं है, हम लोग कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ा सा सुविधा होता है। नहीं, अस्थाई दुकानदार हैं बहुत सारे, नहीं वो भी जो है फुटपाथ पर, हाँ फुटपाथ वाले भी, फुटपाथ वालों को भी यहाँ के नगर पंचायत ने अस्थाई कर दिया है, उनको पहचान दिया है, उसके बावजूद वो वही डंडी से नाप के बेच रहे हैं। अस्थाई आवास तो नहीं है, रोड पर ही बैठते हैं। हाँ, रोड पर बैठते हैं। हाँ, तो रोड पर का एड्रेस क्या हो सकता है? एड्रेस तो बनेगा सर, जहाँ बैठते हैं बराबर बैठते हैं। अगर वो मान लीजिए यहाँ है, नहीं वो वहीं बैठते हैं, दूसरी जगह नहीं बैठता है, उसी जगह बैठता है। फिर भी ऐसे लोगों को भी हम लोग नोटिस किए हुए हैं और मास्क सीजर भी करते हैं, किए हैं। जी जी, यहाँ नौगछिया में कितना हुआ था ना, सब्जी मछली वाले जितना रोड पर है, इस साल में हमको लगता है कि 150-200 लोगों को नोटिस किया गया है, जिसमें बहुत लोग पर न्यायालय में भी मुकदमा दायर हुआ है, कुछ विभाग में लंबित है, कुछ लोग फाइन भी जमा किए हैं। तो प्रयास तो होते ही रहता है, वही प्रयास रेगुलर अगर होगा तो सुधार आ जाएगा। तो
रेगुलर तो जैसा हो, जैसे जांच वगैरह करते हैं तो जांच नहीं करते हैं सर आप लोग जाके दुकान में? इंस्पेक्शन करते हैं, वही तो बता रहे हैं कि करीब 150 लोगों को। कब कब किया गया सर ये आपको? मार्च के बाद, अप्रैल से। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, अप्रैल से हम बता रहे हैं। हाँ, अप्रैल से ये आपको दिसंबर तक का हम डाटा बता रहे हैं जी। बहुत लोगों पर हुआ है। अगर सर ऐसा लगे किसी ग्राहक को कि उसको कम वजन दिया जा रहा है, क्या करे वो? हमारे यहाँ शिकायत करेंगे। क्या प्रोसेस है सर उसका? प्रोसेस सर क्या है शिकायत करने का? या तो लिखित में देंगे लोग जी, या हमारे मोबाइल पर सूचना देंगे। आपका नंबर हो गया सर? हम तो मेरा नंबर है 9470080054। 9470080054 आपका पूरा नाम हो गया सर? ए के पांडे। आप पदाधिकारी? निरीक्षक मापतोल प्रभारी नगर। निरीक्षक मापतोल प्रभारी जी। और कौन कौन है सर यहाँ कैंप में? यहाँ पर है हमारे कार्यालय के प्रधान सहायक जी संजय कुमार जी, और रिपेयरर पंकज जी। ठीक है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया भागलपुर गौशाला के 3 सदस्यीय कमेटी ने नवगछिया गौशाला का किया निरीक्षण। कहा गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए गौशालाओं द्वारा किया जाएगा संयुक्त प्रयास। भागलपुर गौशाला के 3 सदस्यीय कमेटी ने नवगछिया गौशाला का निरीक्षण किया और यहां के प्रबंधन समिति से बातचीत कर गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने का निर्णय लिया। मौके पर बताया गया कि जल्द ही आसपास के शहरों के गौशालाओं की एक संयुक्त बैठक कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया जाएगा। वहीं भागलपुर गौशाला की 3 सदस्य कमेटी में महामंत्री गिरधारी केजरीवाल, मंत्री सुनील जैन और तिलका मांझी, एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष बिहारी लाल चौधरी मौजूद थे। मैं आकर के और काफी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वो वास्तव में रुंगटा जी के राम प्रकाश जी रुंगटा का अतुलनीय प्रयास है। और बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सभी सरकारें अभी बर्मी कंपोस्ट के ऊपर में विशेष रूप से फोकस कर रही है और बर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की है, लेकिन इन योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोगों को सभी गौशालाओं को सम्मिलित रूप से जो है प्रयास करना होगा। क्या प्रयास करने जा रहे हैं सर? इसके लिए हम लोग बहुत जल्द जो है बिहार की सभी गौशालाओं के साथ बैठ करके एक सभा हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं और लगता है कि मार्च में ही हम लोग करेंगे। उसके लिए क्या मतलब प्रयास होगा, किस लिए प्रयास होगा इसका? प्रयास इसलिए होगा कि सरकार ने 10 रुपया का मूल्य निर्धारित किया है बर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए। हाँ। लेकिन सरकार उतने पैमाने पर नहीं खरीद पा रही है और उसकी वजह से गौशालाओं का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। अगर सरकार खुले मन से उसको खरीदे और वास्तव में किसानों को उपलब्ध कराए तो खेती में भी लाभ होगा और गौशालाएं भी आगे बढ़ेगी। रंग में गोबर का प्रयोग ये भी किया जा रहा है। बिल्कुल नया कंसेप्ट आया, ये नया कंसेप्ट आया। तो हम लोग बिहार की जितनी गौशालाएं हैं एक प्लेटफार्म पर आकर के सब लोग बात करेंगे और ख़ास करके अगर रंग इससे तैयार हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बात होगा और रोजगार को भी बढ़ावा देगा और गौशालाएं इससे समृद्ध होगी। अभी गोबर हम लोगों के पास जो हो रहा है जी, तो वो गोबर एक बर्मी कंपोस्ट में काम आता है जी, लेकिन अब इस पर विचार किया जा रहा है और ख़ास करके भागलपुर गौशाला ने इस पर काम किया है, उसने इसे दिए बनाए। हाँ हाँ, तो वो दीपावली के मौके पर भी काम आया और भागलपुर गौशाला ने इससे लकड़ी तैयार की है। हाँ। जो कि अभी जलावन के काम भी आ रही है और विशेष रूप से जो हम लोग दाह संस्कार करते हैं। हाँ, उसमें तो उसमें भी इस लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, गोबर से बनी लकड़ी, गोकाठी, गोकास्ट का प्रयोग हो रहा है। तो वो पुराना जो गोइठा था उससे भिन्न है क्या? हाँ, ये गोइठे से भिन्न है, ये कंप्रेस करके लकड़ी बनाया जाता है। अच्छा। और ये लकड़ी से प्रदूषण की जो समस्या है उसमें भी बहुत सुरक्षा होती है इससे।
प्रदूषण नहीं फैलता इससे, और ये किफायती भी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पेड़ है वो बचता है। तो इस लकड़ी का प्रयोग, खास करके गोकास्ट लकड़ी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, ये सबके हित में है। तो उस दिशा में भी हम लोग सारी गौशालाएँ बैठेंगी और बात करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ की गौशाला में आए हैं, और ये गोपाल गौशाला नौगछिया जो है, यहाँ की व्यवस्था देख करके मन में एक प्रसन्नता हो रही है, और ख़ास करके जो यहाँ के रूंगटा जी हैं, राम प्रकाश जी हैं, इन्होंने जिस तरह से हम लोगों को साथ देने का वायदा किया है, इससे एक बड़ी संभावना दिखती है, और लगता है कि हम लोग एक अच्छा मिलजुल करके एक अच्छा काम कर सकेंगे। तो नौगछिया के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, और भागलपुर तो साथ जुड़ा हुआ ही है, तो भागलपुर नौगछिया अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। एक बार सबका नाम और पद बता देते सर। आप बताइए। मैं राम प्रकाश रुंगटा, सचिव श्री गोपाल गौशाला नौगछिया। गिरधारी केजरीवाल, महामंत्री गौशाला भागलपुर। सुनील जैन, श्री गौशाला भागलपुर मंत्री। बिहारी लाल चौधरी, गौशाला से जुड़े हुए। जी जी। दिनेश केरिया, गोपाल गौशाला नौगछिया। ठीक है सर। नवगछिया में ड्रग विभाग ने की छापेमारी, 36 कार्टून प्रतिबंधित कप सिरप और 6 कार्टून नींद की दवा बरामद। ड्रग विभाग ने छापेमारी कर नवगछिया के मील टोला स्थित हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप और प्रतिबंधित नींद की दवा को बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार ड्रग विभाग ने कुल 36 कार्टून प्रतिबंधित कप सिरप और 6 कार्टून प्रतिबंधित नींद की दवा को बरामद किया है। छापेमारी के दौरान स्थल से दवा दुकान का संचालक अनुपस्थित था, तो पुलिस ने एक वाहन चालक सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के पचलर निवासी अभिराम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग विभाग की कार्रवाई में एक बोलेरो को भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि कदवा के रास्ते प्रतिबंधित दवाओं की एक बड़ी खेप मधेपुरा की ओर जा रही है। विभागीय स्तर से पुलिस की मदद ली गई और कदवा के संवादित मार्ग पर नाकेबंदी भी की गई। चेकिंग के क्रम में विभाग को एक बोलेरो से 36 कार्टून प्रतिबंधित कप सिरप मिला। उसी समय पुलिस और ड्रग विभाग ने चालक की निशानदेही पर नौगछिया के मील टोला स्थित रेलवे ढाबा के पास हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर के गोदाम में छापेमारी की, तो गोदाम से 20 कार्टून प्रतिबंधित कप सिरप और 6 कार्टून प्रतिबंधित नींद की दवा बरामद की गई है। वहीं छापेमारी दल में ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र कुमार, अनिल कुमार, नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार समेत कदवा और नौगछिया की पुलिस शामिल थी। वहीं मामले की प्राथमिकी कदवा ओपी थाने में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा बीएड कॉलेज मधुरोनी में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती। नवगछिया के रंगरा प्रखंड क्षेत्र के मधुरोनी स्थित अर्जुन बीएड कॉलेज में नौगछिया जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन जदयू नेता त्रिपुरारी कुमार भारती ने किया, जबकि अध्यक्षता जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अखिलेश निषाद द्वारा की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में नौगछिया जदयू के पदाधिकारी के अलावा विभिन्न प्रखंड से आए कार्यकर्ता एवं वक्ताओं ने जननायक के जीवनी एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। गोपाल मंडल के पक्ष में उतरे जदयू जिला अध्यक्ष, कहा हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े शैलेंद्र, उनका जमानत जब्त करवा दूंगा। जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह गोपालपुर विधायक के पक्ष में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने कर्पूरी जयंती समारोह में कहा कि इंजीनियर शैलेंद्र की जीत जदयू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हुई है। गोपाल मंडल एक सर्वमान्य नेता है, जबकि इंजीनियर शैलेंद्र एक खास वर्ग के नेता हैं। अगर उनमें दम है तो वो इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़े, उन्हें अपने औकात का पता चल जाएगा और उनकी जमानत जब्त करवा दूंगा। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।
नवगछिया, राजद ने कर्पूरी ठाकुर को किया याद। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय नवगछिया में जिला अध्यक्ष अलक निरंजन पासवान की अध्यक्षता में कर्पूरी जयंती धूमधाम से मनाया गया। मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सबों ने उनके पद चिन्हों पर चलने की कसमें खाई। वहीं कार्यक्रम में जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके शैलेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। रंगरा, पचगछिया की टीम ने रंगरा को किया पराजित। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच BCC रंगरा और पचगछिया के बीच खेला गया, जिसमें BCC रंगरा को पचगछिया की टीम ने पराजित कर दिया। पचगछिया की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रंगरा ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। वहीं जवाब में पचगछिया की टीम ने 19 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाकर 5 विकेट से मैच को जीत लिया। पचगछिया के बल्लेबाज राहुल ने 53 रन, अमित ने 36, अंकित 42 रन बनाए। पचगछिया के गेंदबाज विकास ने हैट्रिक विकेट के साथ 4 विकेट लिया और अपनी टीम की ओर से शानदार गेंदबाजी किया। मैन ऑफ द मैच राहुल को 53 रन एवं 24 गेंद पर बनाने पर दिया गया, जिसे जवाहर ठाकुर के द्वारा पुरस्कार दिया गया। मैच में निर्णायक प्रेमराज और मोहम्मद फारूक थे, जबकि कमेंट्री में रितेश झा कर रहे थे। मैच का उद्घाटन गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने किया। मौके पर अशोक सिंह, चुन्नी झा, ललन सिंह, श्याम सिंह, लालू ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, सुबोध शाह, अकरम अली सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया, फरारी साथी राहुल के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। नवगछिया के गौशाला रोड स्थित एक दुकान में वर्ष 2019 के 10 जुलाई को एक दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने और गोलीबारी करने के मामले में फरार चल रहे सातिर अपराधी गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव निवासी राहुल यादव के घर नवगछिया पुलिस ने इश्तेहार चिपका दिया है। इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई नवगछिया थाने के दरोगा राजकुमार के नेतृत्व में किया गया। नवगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अगर घोषित भगोड़ा राहुल यादव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस उसके घर की कुर्की जब्ती करेगी। नवगछिया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का किया गया वितरण। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सह मंच स्थापना दिवस के उपलक्ष्य रविवार को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में नवजात शिशु एवं बच्चों को गर्म कपड़े एवं माता एवं बहनों को टोपी एवं मास्क का वितरण किया गया। नवजात शिशु में 5 बच्चियां एवं 2 बच्चे थे एवं 4 गर्भवती महिलाएं भी लाभान्वित हुई। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सदस्य विशाल मुनका, राज चौधरी, रचित गडोरिया, अंकित चिरानी, अनुराग पंसारी, सुभाष चंद्र वर्मा, कौशिक मावंडिया, विक्रम सराफ, गोविंद केडिया, कमल टिबरीवाल, विकी केडिया, अध्यक्ष विकास सिरानिया एवं सचिव चेतन मुनगा मौजूद थे। बोले भाजयुमो जिलाध्यक्ष रूपेश रूप, इंजीनियर शैलेन ने विधायक रहते लौटाया था गार्ड। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रूपेश रूप ने कहा कि गोपालपुर विधायक को जानकारी होनी चाहिए कि बीपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेन ने विधायक रहते विक्रमशिला पुल पर महाजाम की समस्या देखी थी और प्रशासन ने जब कारण पुलिस बल की कमी को बताया था तो इंजीनियर कुमार शैलेन ने विधायक रहते अपने एक गार्ड को कम करके उसे सरकार को वापस कर दिया था ताकि जनता को दिक्कत ना हो। इंजीनियर शैलेन क्या चीज है यह जनता जानती है और आपके स्वभाव को और आपके इतिहास को भी दुनिया जानती है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही,
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।